नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के फन्ने में। दोस्तों, UP SSC से जो PET का फॉर्म निकला है, उस फॉर्म को पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें, इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस पूरे फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है और कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले OTR का फॉर्म फिल किया जा रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने OTR का फॉर्म फिल नहीं किया है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस PET के फॉर्म में OTR का कोई भी लेना देना नहीं है। यह आपका साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया, तो जिन लोगों ने OTR भर दिया या जिन्होंने OTR नहीं भरा, वो सभी लोग इस फॉर्म को डायरेक्ट भर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं कि इस पूरे फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है UP SSC स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PET। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वाली विंडो पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से देखिए सारी डिटेल दे रखी कि आज 25 मई से फॉर्म स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 21 जून है। और यहाँ से आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आप के सामने नीचे एक ऑप्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए लोअर एज आपकी 18 साल है और आपकी अपर एज 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, क्या आपने कभी पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि आपने इससे पहले UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम दिया है या कोई भी फॉर्म फिल किया है। वही आपको आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे कि इसमें लिखा हुआ कि आपका जो नाम है वो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए और आपकी जन्मतिथि भी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। इन सबको पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर इस पहले बॉक्स पर टिक करेंगे और आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वाली विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपने इससे पहले UP SSC से कोई भी फॉर्म फिल किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पर डाल देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म, पूरा फॉर्म भरा हुआ आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी और आपकी जन्मतिथि और आपके नंबर वगैरह सारे डिटेल आपकी फिल की हुई आ जाएगी। लेकिन अगर आपने UP SSC से कोई भी फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है, तो आप यहाँ ऊपर यस की जगह पर नो करेंगे। तो जैसे आप इसकी आप नो करेंगे, तो आपके सामने एक पूरा ब्लैंक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए पूछ रहा है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, जो भी आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ वो पूरा नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम और अपनी माता जी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है देखिए RU डोमिसाइल ऑफ UP, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये चार ऑप्शन ओपन होके आएंगे। अगर आप इन चारों दायरों में से किसी में भी आप आते हैं, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप सब पे नो कर देंगे। उसका देखिए नीचे पूछ रहा है RU गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप पहले से ही उत्तर प्रदेश की सरकारी जॉब में है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए पूछ रहा है होम स्टेट आप जो भी हो, आप उत्तर प्रदेश क्लिक करेंगे या जो भी आपका होम स्टेट होगा वो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है होम डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी जनरल SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ रही हो वो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है जेंडर, यहाँ पर अपना मेल या फीमेल जेंडर सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है RU मैरिड, कि आप शादीशुदा हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है, नीचे पूछ रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछ रहा है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल आपने जिस बोर्ड से हाई स्कूल किया उस बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस बार हाई स्कूल पास किया, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे, हाई स्कूल का रोल नंबर। फिर पूछ रहा है
क्या आपका ग्रेड सिस्टम था, अगर ग्रेड सिस्टम था तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क दोनों मार्क्स यहाँ पर फिल करने होंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के सामने इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसी प्रकार सारी डिटेल इंटरमीडिएट की डाल देंगे। उसके देखिए नीचे आएंगे, नीचे देखिए पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है बैचलर डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे जहाँ से आपने अपनी बैचलर डिग्री ली है। उसका पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने जिस वर्ष आपने ग्रेजुएशन पास किया है उस वर्ष वो वर्ष यहाँ पर डाल देंगे। फिर पूछ रहा है सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है इशू डेट, तो इशू डेट जो भी आपकी मार्कशीट पर लिखी हुई हो वो आप इशू डेट यहाँ पर डाल देंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या आपका ग्रेड सिस्टम था, अगर ग्रेड सिस्टम था तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपने जितने भी ग्रेजुएशन में नंबर प्राप्त किए हैं और आपका टोटल ग्रेजुएशन नंबर कितना था दोनों नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी आपने किया हुआ है तो वो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये वाला कैप्चा कोड इस वाले बॉक्स में डाल देंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और इसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों पर आ जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप अपना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो देखिए आपको सिग्नेचर आपको देखिए कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर सामने देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जो भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं उसके बाद आप नीचे उसके नीचे ही आप अपना हिंदी में नाम डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में करने, आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करने, नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सिग्नेचर करेंगे, उसके नीचे आप हिंदी में अपना नाम लिख देंगे और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फोटो का जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सबसे पहले फोटो अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट फोटो, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वाले ऑप्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्राउज, तो यहाँ ब्राउज से आप अपना फोटो जहाँ पर भी आपका फोटो कंप्यूटर में पड़ा हुआ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही आप फ़ोटो अपना सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ये आधा फ़ोटो कटा हुआ दिखाएगा, तो आपको इतना फ़ोटो अपलोड नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे खींच कर इसको इस पूरे फ्रेम में फिट कर देंगे। तो आप दाएं और बाएं से खींचेंगे, खींच के आपको यहाँ पर देखिए पूरा फ़ोटो जो है वो फ्रेम के अंदर फिट कर देंगे। फ़ोटो पूरा फ्रेम के अंदर फिट होने के बाद आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्रॉप, तो इस क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तभी आपका पूरा फ़ोटो यहाँ पर सामने आ जाएगा। फ़ोटो को क्रॉप करने के बाद आप देखिए लिखा हुआ सेव फोटो डाटा, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्नेचर को भी आप बिल्कुल इसी तरह से क्रॉप करके पूरा सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अगली विंडो पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट, तो इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपकी सारी डिटेल भरी हुई आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले पूछ रहा है एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, जो कि देखिए लिखा हुआ मैंडेटरी, यानी यह है फिल करनी आपको अनिवार्य है। नीचे के आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वैकल्पिक हैं, यह चाहे आप फिल करें या ना करें, लेकिन आपको एज प्रूफ में आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछ रहा है इशू अथॉरिटी, तो आप यहाँ पर अथॉरिटी में आप लिख देंगे यूपी बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड हो। उसके बाद पूछ रहा है इशू डेट, तो यह जो इशू डेट है वह आपके सर्टिफिकेट पर लिखी हुई होगी और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको उसी सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हो अपडेट, तो इस अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली डिटेल सबमिट हो जाएगी। इसी प्रकार आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट फिल कर सकते हैं। उसका देखिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर एड्रेस फिल करने के लिए आप परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों एड्रेस आपको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सबसे पहले एड्रेस में क्या फिल करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है नेम, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखेंगे। फिर पूछ रहा है केयर ऑफ, तो इस प्रकार केयर ऑफ लिखेंगे। फिर अपने
पेरेंट्स या अभिभावक का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपना अपना पूरा पता, जो भी आपकी पोस्ट, आपका पता, मकान नंबर जो भी हो यहाँ पर डाल देंगे, और अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके अपना पिन कोड डाल देंगे। इसी प्रकार आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इस पर टिक करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, तो इस पर यस करेंगे। तो जैसे आप यस करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू फॉर्म, तो इस प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा, जिसे आप पूरा ऊपर से नीचे तक सारी डिटेल चेक कर लेंगे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद देखिए ये वाला कैप्चा कोड इस पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको अपनी जो भी इसकी फ़ीस है वो आपकी फ़ीस यहाँ पर जमा करनी है। तो देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू पे रिक्वायर्ड फीस, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक नई विंडो पर पहुँच जाएँगे। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि क्या आप अपनी कास्ट कैटेगरी या डोमिसाइल में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई चेंज करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है चूज पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SBI MOPS, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यह नीले कलर का हो जाएगा। उसका जैसे ही नीले कलर का हो जाएगा नीचे आएंगे, नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ स्टेट बैंक MOPS, इस वाले गोले पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, चाहे वह नेट बैंकिंग हो, UPI हो या डेबिट कार्ड हो। तो जिस किसी से आपको फ़ीस जमा करनी है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल आ जाएगी जिसे नीचे आप कन्फर्म करेंगे, फिर दोबारा कन्फर्म करने को आएगा, उसे दोबारा कन्फर्म करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे आप इस नई विंडो पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी आप डायरेक्ट इस वाली विंडो पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप इस वाली स्लिप को प्रिंट कर लेंगे। स्लिप को प्रिंट करने के बाद देखिए ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप यहाँ से इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके PDF फॉर्म या अपने पास प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।